अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मैं भी आपके अपने चैनल साहब जिंदाबाद में आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। तो आज हम एक बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक लेकर आए हैं जिसका नाम है रबड़ी फालूदा। तो आइए हम रबड़ी फालूदा की रेसिपी बनाते हैं। तो जल्दी जल्दी से हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में आपने एक कप चीनी का डालना है। चीनी को आपने हल्की आंच पे ब्राउन करना है। चीनी को ब्राउन हमने इसलिए करना है ताकि हमारी रबड़ी फालूदे का जो नेचुरल कलर है वो आए। इसमें हम कोई फूड कलर शामिल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चीनी बिल्कुल आपकी इस तरह ब्राउन होनी चाहिए, चॉकलेट ब्राउन कलर लाना है चीनी में। और इसमें हमने एक लीटर दूध का शामिल कर दिया। दूध भी आपने गर्म करना है। चीनी इसमें खुद ब खुद सेट हो जाएगी, आपने चमचा हिलाते रहना है। ये हमारा तोहफ़ा मलंगा है। दो चम्मच हमने तोहफ़ा मलंगा के लिए, तोहफ़ा मलंगा भी आपने बिल्कुल इसमें मिक्स करना है हल्की आंच पे। ये बाद में खुद ब खुद फूल जाएगा, सेट हो जाएगा दूध में। अब हमने इसको मज़ीद टेस्टी और ज़बरदस्त बनाने के लिए एक बाउल में डाल दिया है। और इसके बाद अब हमने इसमें शामिल करने हैं कुछ इलायचियाँ। सब्ज़ इलायची के हमने बीज निकाल ली हैं और बादाम हमने कुछ लिए हैं। इनको हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है, बारीक बारीक पीस लेना है। इसके बाद हमने ये भी इसमें शामिल करने हैं ताकि इसका टेस्ट और बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार बने। तो ये मैं पहले से ही फालूदा लेकर आई हूँ, बाज़ार से ले आई हूँ रेडीमेड। तो ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। अब हमने इसमें फालूदा भी शामिल कर लिया। तो इस तरह से अब हमारा ये बहुत ही मज़ेदार रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स रेडी है। आपने मज़ीद इसको ठंडा बनाने के लिए इसमें आइस के कुछ क्यूब्स शामिल करने हैं और आपका ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक रेडी है। अब आप ये सर्व कर सकती हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गर्मियाँ एंजॉय कीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।